सरजू, इन्हें ढाबे के बाहर ले जाओ। लेकिन आपा, मैं कह रही हूँ ना, आज ये और मैं बाहर जाएंगे घूमने। एतवार की बहुत बात करते हो ना जैन अब्दुल्ला, आज तुम जानोगे कि जब एतवार टूटता है तो कैसा लगता है। तुम्हारा पहला इम्तिहान, अब तुम्हें सीधे चल के आना है ऊपर। मेरी तरफ रहने दो, आई थिंक तुम्हारी बस की बात नहीं है। उस पर चढ़ जाओ। अब यहां से कूद जाओ। ठीक है, लेकिन गिरने से पहले मैं आखिरी बार छू सकता हूं। बोलो आलिया। आलिया के बगैर जैन कभी कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए जहां जैन वहां उसकी आलिया। जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ।
अरे मैं तो जानता तक नहीं लड़की कौन है, मैं तो अपनी बीवी को ढूंढ रहा था। ये आदमी पूल में मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। अरे मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा था वहाँ पे। शक्ल से इतना शरीफ दिखता है पर हरकतें देखो कैसी है। लड़की को छेड़ता है, बदतमीजी करता है। मैं आपसे कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। चुप कर, लड़की से बदतमीजी करता है। लड़की को देख के छेड़ता है। अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। वो देखिए वो रही मेरी बीवी। अच्छा हो तुम आ गई, तो मैंने प्लीज बताओगे कि तुम मेरे साथ पूल में गिरी थी। अब जानती है इसे, आपको पता है ये पूल में मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था। क्या सबको गलतफहमी हो रही है, ये है मेरी बीवी आलिया। बीवी? कौन बीवी, किसकी बीवी? मैं तो इसे जानती तक नहीं। हिम्मत तो देखो इसकी, अभी अभी एक लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए पकड़ा गया, अब मेरे साथ बदतमीजी, और मैं तुम्हारे साथ पूल में क्यों कूदूंगी? मैं पागल हूँ? अगर मैं इसके साथ पूल में होती तो मेरे कपड़े गीले होते। अल्लाह देखो तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारे बाल भी गीले हैं। बाल इसलिए गीले हैं क्योंकि मैं अभी अभी शावर लेकर निकली हूं। मैं इसे जानती तक नहीं। आप लोगों को इसके साथ जो सलूक करना है कर सकते हो, और ऐसा सबक सिखाइए कि दोबारा किसी लड़की के साथ बदतमीजी ना करें। चलो भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हो गया हमारे जैन को, इतनी गंदी जगह कोई कैसे रह सकता है, और वो लड़की ना काबिले बर्दाश्त। तो जा मैं आ रही हूँ। हेलो सर, किसका फोन आ गया? पर मियां एतबार किसी पे नहीं कर सकते हैं, ये सब उधारी देना बंद करो और चेक हरगिज नहीं लेना उससे। हाँ अल्लाह,
आप। कमाल है, कमाल हो गया। लोग देख के चलते भी नहीं। अरे मोहतरमा, आपको तो जर्रो, जर्रो, चले। क्या हुआ चाचा, किधर खो गए? शायद जर्रो थी। कौन जर्रो? मेरी बीवी जरीना। मेरी बीवी जरीना। अरे चाचा, इसीलिए तो कहता हूँ कि रात में पूरी नींद लिया करो। ये होटल देखो, एक मटन शॉप वाले रहमान चाचा की बीवी जर्रो और इतनी महंगी होटल में। अरे चाचा, ये तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा बकवास बंद कर, ये सामान आलिया को देखिया, जा। The number you are trying to call is currently not reachable. तेरा पीछा तो मैं जहन्नम तक करूंगा, कहां तक भागेगी तू? क्या करूं मैं? बाजी के गधे बेटे को भी यहीं आके मरना था। इसी आके। अरे जरीना, वो आदमी तुम्हें पुकार रहा था जर्रो जर्रो कह के, तुम्हें सुना नहीं? अच्छा, नहीं तो अभी तो हैरान हो गई, काफी चौंक गया था तुम्हें देख के। हाँ, हैदराबाद में तुम्हें कौन पहचानेगा? इससे पहले तुम कभी हैदराबाद आई हो क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप ही बाजी, मैं यहाँ पहले क्यों आऊंगी? कॉन्फ्रेंस रूम जाना होगा, कुछ लोग आए हुए हैं वो ढाबे की जमीन के बारे में बात करने के लिए। चलो, कब तक बच पाऊंगी पता नहीं। चल बदमाश कहेगा, देखिए लड़कियों को छेड़ता है, आइंदा देखना नहीं चाहिए, समझा ना? कैसा लगा जब लोगों ने तुम्हें, जब लोग मुझे गलत समझ रहे थे, जब मैं चीख चीख कर कहता रहा कि मेरे कोई गलती नहीं और किसी ने मेरा अतबार नहीं किया, ठीक वैसे लगा लिया जैसा एक साल पहले तुम्हें लगा जब तुम्हारे शौहर ने तुम्हारी बात सुनने से इनकार कर दिया, जब तुम चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेगुनाही साबित कर रही थी मुझे और मेरे खानदान को, लेकिन हमने तुम्हारी सारी बातें नजरअंदाज कर दी उस दिन तुम्हारे मामों की रुख्सती पर, जब तुम्हें मेरे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो मैंने तुम्हारा हाथ थामने की बजाय तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम तनहा हो गए, आज मैं भी बिल्कुल वैसा ही हुआ लिया, अकेला और तनहा। छोड़कर भी तो जा सकती थी ना आलिया, तो फिर वापस क्यों आई? मैं ज़ैन उस्मान, मैं ज़ैन उस्मान अब्दुल्ला, आलिया ज़ैन अब्दुल्ला, आलिया ज़ैन अब्दुल्ला, तलाक दे दो, तलाक दे दो।
कि मैं तुम्हें सबके सामने जलील होते देख सकूं, जलील तुम्हारा तमाशा बनते देख सकूं। तुम्हारा पहला इम्तिहान मैंने पार कर लिया आलिया, दूसरा इम्तिहान और दूसरी सजा के लिए भी तैयार हूं मैं। हेलो आलिया, आप रो रही हैं? नहीं तो, गले में बस खराश है, आप बताइए ना। आज सुरैया मैम ने बुलाया था मुझे, कह रही थी आपको समझाऊं ढाबा छोड़ने के लिए। मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया, कॉम्पेंसेशन देने की बात कर रहे हैं। मैंने उन्हें कह दिया कि मैं आपको ऐसा कोई मशवरा नहीं दूंगा। बिल्कुल ठीक किया आपने रिहान, थैंक यू। आप स्कूल गई थी ना आज बच्चों के साथ, उनका ड्राइंग कंपटीशन कैसा हुआ? या अल्लाह, मैं तो भूल ही गई कि आज सारा का ड्राइंग कंपटीशन था। मैं अभी वहां पहुंच जाती हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं ऑफिस के रास्ते से उन्हें पिक कर लूंगा। यू डोंट वरी अबाउट इट। सारा बहुत अपसेट होगी। आलिया बच्चे हैं, इतना मत सोचिए, मैं उन्हें समझा दूंगा। जी बाय। कैसे भूल गए, ये बच्चे, ये शहर, ये ढाबा, यही तो एक साल से मेरी जिंदगी है। जैन क्यों लौट आया, लेकिन वो जो चाहता है मैं वो होने नहीं दूंगी। सर छुट्टी होके तो आधा घंटा हो गया, बच्चे कब से इंतजार कर रहे हैं। सॉरी, अगली बार से ध्यान रखूंगा, शुक्रिया। कैसे हो तुम दोनों? क्या बात, कोई तो बड़े गुस्से में लग रहा है। क्या हुआ, ड्राइंग कंपटीशन अच्छा नहीं हुआ या फिर भाई बहन में फिर से लड़ाई हुई? मैंने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई थी पर यारा ने खराब कर दी। अम्मी और आती ठीक मेरी फ्रेंड टीना के मम्मी पापा का हैप्पी एनिवर्सरी है, सब अपने अम्मी अबू के हैप्पी एनिवर्सरी के बारे में बात कर रहे थे। फिर सबने मुझसे पूछा, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बहुत गुस्सा आया पापी। हाँ पापी, सबके अम्मी अबू की मेरे झूठी है, आपकी और अम्मी की क्यों नहीं हुई? मैं कैसे समझाऊं इस औरत को कि मेरा यहाँ हैदराबाद में रहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, खास करके आज जो हुआ उसकी बात तो बिल्कुल भी नहीं। बाजी, बाजी हम ये जमीन की जिद क्यों पकड़ कर बैठे? देखिए ना, ये जमीन कितनी मनहूस है हम सबके लिए। ये जो मुसीबत चल चुकी थी वो इस जमीन की वजह से फिर हम सब की जिंदगी में और जैन की जिंदगी में आलिया को वापस लाने का सबब बन चुकी है। बाजी, हम जितना इस बात को आगे बढ़ाएंगे
उतना ही जैन हम सबसे दूर और आलिया के करीब होता जाएगा। अरे एक बार पहले हम ये गलती कर चुके हैं, दोबारा क्यों करना चाहते हैं? अरे छोड़िए ये मीटिंग, चलिए अगली फ्लाइट लेकर मुंबई वापस चलते हैं। नहीं सरीना, नहीं। इस जमीन ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया और वो ये है कि क्या आलिया इस बार भी जीत जाएगी या नहीं। इस बार एक तरफ वो है और एक तरफ हमारे खानदान की इज्जत। मैं आलिया को हराना चाहती हूँ, उसे बर्बाद कर देना चाहती हूँ और उसके लिए ये जमीन उससे जीतना बहुत ही जरूरी है, किसी भी कीमत पर। लेकिन बाजी, कहीं ये कीमत आपको अपने बेटे को हार कर ना चुकानी पड़े। नहीं जरीना, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। सैन के लिए दूसरा चैलेंज मिल गया।